नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और फ्रेश और कमाल की वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूं ओला S1 Pro का टेस्ट राइड, क्योंकि मैंने मन बना लिया है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए। जिस तरह से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में स्विच करता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा ही देगा। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मेरा डेली का रन जो है वो 50 से 60 किलोमीटर मिनिमम रहता है, कभी कभी 100 किलोमीटर भी हो जाता है, तो मुझे लगता है अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्विच करता हूँ तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके मेरे को फायदा ही देगा। फिलहाल तो मैंने जीरो डाउन नहीं किया है कि कौन सा व्हीकल लेना है। फिलहाल मार्केट में जितना भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑप्शंस अवेलेबल है, सबका टेस्ट राइड मैं लेने वाला हूं। तो अगर आपको उसका एक डिटेल वीडियो चाहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे जाके आपको सारे ब्रांड्स के ऊपर टेस्ट ड्राइव का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो मैंने अपना टेस्ट राइड के दौरान एक्सपीरियंस किया, उसका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। फिलहाल तो ओला S1 Pro का टेस्ट राइड लेने जा रहा हूं। आगे एथर, बजाज, TVS और जितना भी ऑप्शंस मार्केट में फिलहाल अवेलेबल है, सबका टेस्ट राइड लेने वाला हूँ। फिर फिगर आउट करूंगा कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर मेरे को लेना चाहिए। फिलहाल आज इस वीडियो में मैं आपको ओला S1 Pro का टेस्ट राइड दिखाने वाला हूँ और बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है आगे इस वीडियो में आप लोगों के लिए। दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैंने ओला S1 Pro का टेस्ट राइड लिया और टेस्ट राइड लेने के बाद मुझे ये लगा कि ओला वाकई में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जिसे लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को। ओला के इन्वेंटरी में 3 स्कूटर्स हैं फिलहाल, ओला S1, ओला S1 Pro और ओला S1 Air। ओला S1 का कीमत 1 लाख के आसपास है, ओला S1 Pro 1,25,000। और रहा सवाल ओला S1 Air का, वो कब लॉन्च होगा वो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर ओला S1 Air लॉन्च हो जाता है तो वो सीधा टक्कर देगा सुजुकी एक्सेस, जुपिटर, एक्टिवा जैसे पेट्रोल स्कूटर्स को। दोस्तों, रहा सवाल टेस्ट राइड का, ओला S1 Pro को चला के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो इंस्टेंट टॉर्क है, इसके जो इनबिल्ट फीचर्स हैं, वो वाकई फ्यूचरिस्टिक है। फिलहाल ओला S1 Pro Move OS 3 में चल रहा है, लेकिन OTA अपडेट्स आते रहेंगे और बहुत ही जल्द Move OS 4 भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें आपको ढेर सारा फीचर्स और भी ऐड होते हुए दिख जाएंगे। ओला S1 Pro का बिल्ड क्वालिटी एवरेज है, पैनल्स वगैरह और भी प्रीमियम हो सकता था। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आपको पैनल गैप्स देखने को मिल जाएंगे, पहले तो बहुत ज्यादा पैनल गैप्स देखने को मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे ओला अपना जो पैनल गैप का प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हुए दिख रहा है। तो आजकल पैनल गैप्स कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपको थोड़ा बहुत दिख जाएंगे। ओला S1 Pro का जो राइडिंग कंफर्ट है, अंडर सीट स्टोरेज है, इसका जो अर्गोनॉमिक्स है वो वाकई इम्प्रेसिव है। इस स्कूटर में आपको 36 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। ओला S1 Pro में 4 राइडिंग मोड्स है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड। ओला S1 Pro में प्रॉमिस तो किया गया है कि इको मोड में आपको 181 किलोमीटर पर चार्ज देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कीपिंग इन माइंड द राइडिंग कंडीशंस और ड्राइविंग हैबिट्स, आप 150 किलोमीटर का माइलेज आराम से निकाल सकते हो अगर आप अपना गाड़ी को ढंग से चलाते हो और अपना राइडिंग बिहेवियर थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हो। नॉर्मली अगर पेट्रोल स्कूटर से कंपेयर किया जाए तो ओला S1 Pro पेट्रोल स्कूटर से आगे जाते हुए दिख जाते हैं, क्योंकि इसका जो इंस्टेंट टॉर्क है वो पेट्रोल स्कूटर्स को मैच नहीं कर सकते हैं। ओला S1 Pro में जो फीचर्स है वो फिलहाल, चाहे वो पेट्रोल वर्जन हो या इलेक्ट्रिक, किसी भी स्कूटर या मोटरसाइकिल में आपको देखने को नहीं मिलता है। ओला मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी से आप अपना मोबाइल से अपना स्कूटर को मैनेज कर सकते हो, लेकिन एक शिकायत ये है दोस्तों, स्क्रीन में जो माइलेज आपको दिखता है रियल लाइफ में आपको उससे कम ही मिलता है। तो जब भी आप ओला S1 Pro चलाते हैं तो आप 15 से 20 किलोमीटर हाथ में रख के चलाएं, क्योंकि आपके स्क्रीन में जो नंबर शो हो रहे हैं कहीं ना कहीं 15 से 20 किलोमीटर तक फर्क आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग हैबिट्स। ओला S1 में आपको मिलता है टन्स ऑफ फीचर्स, हाई परफॉर्मेंस, कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन, 36 लीटर का बूट स्पेस, फ्री होम डिलीवरी का ऑप्शन, डोर स्टेप टेस्ट राइड का ऑप्शन जिसे मैंने आज अवेल किया, मिनिमलिस्टिक डिजाइन एंड वेरियंट्स, आइडियल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स 100% मेड इन इंडिया है, जो कि एनुअली 10 मिलियन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैन्युफैक्चर कर सकता है और ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। इस स्कूटर के साथ आपको 10 कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और इस स्कूटर के मदद से आप एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को फैलने से भी रोक सकते हो। कहीं ना कहीं ओला S1 Pro का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है,
कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिस क्लास। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि सर्विस सेंटर बहुत कम है और जिस तरह से गाड़ियां बिक रही है ओला को अपना सर्विस सेंटर नेटवर्क्स को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो सर्विसिंग में ढेर सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओला S1 Pro को चार्ज करने के लिए आपको 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। ओला S1 Pro में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ओला का खुद का हाइपर चार्जिंग नेटवर्क इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एक और प्रॉब्लम जो स्कूटर में आपको देखने को मिल सकता है वो है इसका हीटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि एथर 450X में आपको पता होगा दो कूलिंग फैंस है जो कि ओला S1 Pro में आपको देखने को नहीं मिलता है। स्कूटर में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि BMS तो लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब बैटरी हीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हाइपर मोड या स्पोर्ट मोड से ये नॉर्मल मोड में स्विच हो जाता है। नो डाउट इसमें अगर कूलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए तो व्हीकल का प्राइस और बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का रेप्यूटेशन को देखते हुए कंपनी को एक बेहतर लिक्विड कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए ताकि कस्टमर्स को बैटरी हीटिंग की प्रॉब्लम से निजात मिल पाए। इनिशियली ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में फ्रंट फोक सस्पेंशन टूटने का प्रॉब्लम दिख रहा था, इसी वजह से ओला ने अपना जो फ्रंट सस्पेंशन है उसे रीडिजाइन किया है। जो फ्रंट सस्पेंशन अभी आ रहा है उसे रीइंफोर्स किया गया है, बेहतर मटेरियल से उसे बनाया गया है जिससे सस्पेंशन टूटने का डर कम हो जाता है। अगर आपके पास पुराना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर है आप फ्री में उसका सस्पेंशन को चेंज करवा सकते हो अपना नजदीकी ओला सर्विस सेंटर में जाके। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में जो बैटरीज है वो रिमूवेबल नहीं है, तो स्कूटर का बैटरी आप निकाल के अलग से अपना घर में ले जाके चार्ज नहीं कर पाओगे, स्कूटर को आपको गाड़ी में ही चार्ज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 15 एम्पेयर का सॉकेट आपका पार्किंग एरिया में लगवाना पड़ेगा। ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस का बात किया जाए तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वन ऑफ द मोस्ट इंडियस प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो जल्द से जल्द आप इसको खरीद लो, क्योंकि गवर्नमेंट का जो फेम 2 सब्सिडी है वो 1 जून 2023 से कम हो रहा है। जहां पहले 1 किलोवाट बैटरी के ऊपर गवर्नमेंट 15,000 का सब्सिडी दे रहा था, उसे अब घटा के 10,000 कर दिया जाएगा, जिससे आपका व्हीकल का प्राइस बढ़ जाएगा, या फिर 15% ऑफ द टोटल व्हीकल कॉस्ट आपको फेम 2 सब्सिडी के हिसाब से मिलेगा। तो अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को खरीदना चाहते हो 1 जून 2023 से पहले बुकिंग करवा लो, क्योंकि प्राइसेस जो है 10, 20, 30,000 तक बढ़ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मॉडल्स एंड बैटरी कैपेसिटी। दोस्तों पर्सनली ओला S1 Pro को चला के मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूटर। अगर वाकई में सिंगल चार्ज में इको मोड में 150 किलोमीटर के ऊपर का रेंज मुझे मिल जाता है तो इससे बढ़िया ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। फिलहाल मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स है उनका रेंज 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर के आसपास मंडराता है, वो भी बहुत मुश्किल से डिपेंडिंग ऑन योर राइडिंग हैबिट्स। लेकिन ओला S1 Pro में इको मोड में आपको 150 किलोमीटर तक रेंज मिल जाता है, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा बात है। बाकी अगर आपका मन में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द देने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के टेस्ट राइड में। टिल नेक्स्ट टाइम जय हिंद।